दोस्तों 54 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इसमें एक मास है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये ना सोचेगा वर्टिकल में कर रहा है, वो ऑरिजेंटली कर रहा है, न्यू कर ले तो ज्यादा बेहतर है। एम आई राइट? न्यू घूम रहा है। ठीक, अब देखिए बेटा, लेंथ एल है, न्यू घूम रहा है एल लेंथ में, और आपको टेंशन नहीं, टाइम पीरियड में परिवर्तन बताना है कि अगर इस लेंथ में चेंज किया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए 1%, इंक्रीज 1% इन लेंथ, तो टाइम पीरियड में, ध्यान रहे टेंशन नहीं, टाइम पीरियड। और सोती सर ने क्या बताया है कि भाई साहब परसेंटेज इन टाइम पीरियड निकालना था। आपने कहा कि अगर ये घूम रहा है टाइम पीरियड निकालना है तो क्या निकालोगे? ओमेगा। अगर ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आ गया। ओमेगा कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल, इधर जो फोर्स लगेगा इस पे सर्कुलर मोशन करते वक्त, एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्या कह रहे हैं? टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये जो फोर्स लगेगा वही टेंशन प्रोवाइड करेगा। टेंशन कांस्टेंट है, यानी इस फोर्स का रेसिप्रोकल टेंशन आएगा। ये टेंशन इज कांस्टेंट, बस काम बन गया। इसलिए ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/ मास भी कांस्टेंट है। अरे भैया वही टुकड़ा है उसी घुमा रहे हो तुम, तो एम तो बदलेगा नहीं, तो किस पे डिपेंड करेगा? बस काम बन गया आपका। ओमेगा बराबर 2π/T टाइम पीरियड। यानी आपने कहा सर कि जो टी स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल के होगा। भाई टी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना, बस काम बन गया आपका। परसेंटेज चेंज डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इनटू 100 भी लगा दिए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी लग जाएगा, जगह छूट गई कोई बात नहीं। इंक्रीज इन 1%, इसलिए इनके में टाइम पीरियड में T/T इंटू 100% कितना हो जाएगा? ये 2 इधर आ जाएगा, 1/2%, यानी 0.5% का चेंज आएगा टाइम पीरियड में।